मारुति सुजुकी भारत के सूर्योदय पर अपने विश्वास और अपने साथ का आश्वासन देते हुए दो अनमोल सौगात लेकर आया है। पहली है हंसलपुर गुजरात में 2026 तक संचालित हो जाने वाला 7,300 करोड़ की लागत वाला सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लान, और दूसरी सौगात है खरखोदा हरियाणा में मारुति सुजुकी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 800 एकड़ की इस साइट पर हर साल 10 लाख पैसेंजर व्हीकल बना सकने वाले प्लांट का सामर्थ्य है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक होगी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया हंसलपुर के सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लान की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें। धन्यवाद माननीय। अब आपसे अनुरोध है कि कृपया खरखोदा हरियाणा में मारुति सुजुकी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सुविधा के शिलान्यास पट्टिका का भी अनावरण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। घर घर में जिसकी पहचान मारुति सुजुकी ऐसा बन गया है जाना माना नाम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से प्रोत्साहन को लगे पंख, मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत का नया आसमान खुला। कौशल विकास से हमने कुछ हुनर भी तराशे। गुजरात के सवरते वर्तमान और चमकते भविष्य के रास्ते में साथ चलने को संकल्पबद्ध है मारुति सुजुकी। आइए देखते हैं 40 साल का ये सफर। मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है, एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टा सोच और 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के साथ सुजुकी जापान की प्रतिबद्धता और प्रयास जुड़े हैं। ये कहानी है सुजुकी जापान और भारत की जनता के बीच 40 साल की साझेदारी की। सन 1982 में जब ये साझेदारी हुई तब इसके असफल होने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी, किंतु भारत की जनता ने इसे गलत साबित किया और इससे कार उद्योग में सबसे सफल जॉइंट वेंचर अस्तित्व में आया। इस भागीदारी की कंपनी मारुति सुजुकी भारत की सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई और इसने अपने शेयर होल्डर्स, बिजनेस पार्टनर्स एवं कर्मचारियों के लिए वैल्यू और सरकार के लिए टैक्स के रूप में अपार आय का योगदान किया। आज बड़े गर्व के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विश्व के चौथे सबसे बड़े वाहन निर्माता के रूप में खड़ी है और देश की जीडीपी में 6% के योगदान के साथ लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। मारुति सुजुकी ने कंपोनेंट मेकर्स के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का भी निर्माण किया जिसमें आज 56.5 बिलियन US डॉलर्स का कारोबार हो रहा है और 19 बिलियन यूएस डॉलर्स का निर्यात हो रहा है। एक नए इंक्लूसिव वर्क कल्चर के जरिए मैनेजमेंट और वर्कर्स ने एक टीम में साझेदारों की तरह काम किया और एक फ्रूगल मैनेजमेंट स्टाइल के तहत ग्राहक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बिना कर्ज लिए प्रगति करते हुए इस पार्टनरशिप को कई मायनों में कामयाब बनाया।
मारुति सुजुकी ने हरियाणा से संचालन की शुरुआत की, मगर जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब गुजरात को अगले उत्पादन केंद्र के रूप में चुना। 7,50,000 कार प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाले एक अत्याधुनिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 16,000 करोड़ के निवेश के साथ सुजुकी जापान ने स्थापित किया। आज गुजरात के पोर्ट्स 100 से ज्यादा देशों को कार निर्यात करने का हब बन गए हैं। सुजुकी द्वारा गुजरात में 23,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है और इससे 47,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। मारुति सुजुकी पोद्दार स्कूल और जाइडस अस्पताल के साथ भागीदारी में इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में योगदान कर रही है। मारुति सुजुकी माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के विजन को साकार करने की दिशा में कार्य करने को अपना बहुत बड़ा सौभाग्य और सम्मान मानती है। हम मानते हैं कि आपसी विश्वास और टीम वर्किंग, कर्मचारियों के साथ इंक्लूसिव मैनेजमेंट, ग्राहकों पर केंद्रित सेवाएं और राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता इस इंडो जापान पार्टनरशिप को और सक्षम बनाते हुए इसके माध्यम से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देगी। ये था मारुति सुजुकी का 40 साल का सफर। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात मॉडल ने भारत को प्रेरणा दी, तो आज न्यू इंडिया का भारत मॉडल विश्व को प्रेरणा दे रहा है, विश्व को रिझा रहा है कि कैसे अगर कुशल नेतृत्व हो और 130 करोड़ जनता उस नेतृत्व पर अटूट विश्वास करती हो तो बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। आपके सानिध्य में माननीय प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया जापान के साथ एक खास लगाव और एक खास आदर भाव से जुड़ा हुआ है। 21वीं सदी के जननायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री भाई श्री दुष्यंत चौटाला जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान सीआर पाटिल, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भारत में जापान के एम्बेसडर मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं सुजुकी और सुजुकी परिवार से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत और भारत के लोगों के साथ सुजुकी का पारिवारिक रिश्ता अब 40 वर्ष का हो गया है। आज एक और गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए एम्बिशियस प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, तो साथ ही हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। मैं मानता हूं ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। मैं इसके लिए सुजुकी मोटर्स को, इस विशाल परिवार के सभी मेंबर्स को हार्दिक बधाई भी देता हूं। विशेष रूप से मैं श्रीमान ओसामू सुजुकी और श्रीमान तोशी रिहोरी सुजुकी, इन दोनों को भी बधाई देता हूं। आप जब भी मुझसे मिलते हैं, भारत में सुजुकी का नया विजन पेश करते हैं। अभी इसी साल
मई मई में मुलाकात हुई थी, ओसामा सुजुकी जी से हुई थी और उन्होंने मुझसे 40 वर्ष के कार्यक्रम में आने का आग्रह किया था। मेरे लिए इस तरह के फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव का साक्षी बनना एक सुखद अनुभव है। साथ ही मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में तो हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयां तक गए हैं। आज गुजरात महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन से लेकर उत्तर प्रदेश में बनारस के रुद्राक्ष सेंटर तक विकास की कितनी ही परियोजनाएं भारत जापान दोस्ती का उदाहरण है। और इस दोस्ती की जब बात होती है तो हर एक भारतवासी को हमारे मित्र पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे जी उनकी याद जरूर आती है। आबे शान जब गुजरात आए थे उन्होंने जो समय यहां बिताया था उसे गुजरात के लोग बहुत आत्मीयता से याद करते हैं। हमारे देशों को और करीब लाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए थे आज पीएम किशिदा उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री किशिदा का वीडियो संदेश भी सुना। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री किशिदा और जापान के सभी नागरिकों का भी भारत की ओर से अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं इस अवसर गुजरात और हरियाणा के लोगों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, जो देश के औद्योगिक विकास और मेक इन इंडिया को लगातार गति दे रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों की सरकारों की जो विकास परक उद्योग परक नीतियां हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जो प्रयास है, उनका लाभ करोड़ों प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से युवाओं को मिल रहा है। साथियों, इस खास आयोजन में आज मुझे बहुत कुछ पुराना याद आना स्वाभाविक है। मुझे याद है 13 साल पहले जब सुजुकी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निर्माण के लिए गुजरात आई थी, तब मैंने कहा था कि जैसे जैसे हमारे मारुति के मित्र गुजरात का पानी पिएंगे उन्हें भली भांति पता चल जाएगा कि विकास का परफेक्ट मॉडल कहां है। आज मुझे खुशी है कि गुजरात ने सुजुकी को किया अपना वायदा बखूबी निभाया और सुजुकी ने गुजरात की बात भी उसी सम्मान के साथ रखी। आज गुजरात देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरा है। साथियों, आज का ये अवसर ऐसा है जिसमें गुजरात और जापान के आत्मीय रिश्तों पर जितनी चर्चा करूं उतनी कम होगी। गुजरात और जापान के बीच जो रिश्ता रहा है वो डिप्लोमेटिक दायरों से भी बहुत ऊंचा रहा है। मुझे याद है जब 2009 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन शुरू हुआ था,
तभी से जापान इसके साथ एक पार्टनर कंट्री के तौर पर हमेशा जुड़ा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। एक राज्य और दूसरी तरह एक डेवलप कंट्री, इन दोनों का साथ चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में जापान की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। अपने मुख्यमंत्री काल के दिनों में मैं अक्सर एक बात कहता था, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मिनी जापान इन गुजरात। इसके पीछे का भाव यही था कि जापान के हमारे अतिथियों को गुजरात में भी जापान की अनुभूति हो, उनको फीलिंग आए। हमने प्रयास किया कि जापान के लोगों को, जापान की कंपनियों को यहां किसी तरह की परेशानी ना हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते थे। बहुतों को शायद सुनकर के आश्चर्य भी होगा, अब हम सबको पता है जापान के लोग हो और गोल्फ खेलना न हो तो बात अधूरी रह जाती है। बिना गोल्फ आप जापानीज की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब हमारा गुजरात, वहां गोल्फ की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे अगर जापान को यहां लाना है तो मुझे गोल्फ कोर्सेज शुरू करने चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज गुजरात में अनेक गोल्फ के मैदान हुए हैं जहां हमारे जापान के लोग जो यहां काम करते हैं उनको वीकेंड बिताने के लिए अवसर मिल जाता है। कई रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हैं जिनकी विशेषता है जापानी कुजीन है, जापानी फूड है, उसकी भी चिंता की। जापान से आए साथियों को दिक्कत ना हो इसके लिए बहुत से गुजरातियों ने जापानी भाषा भी सीखी है और इन दिनों भी जापानी भाषा के क्लासेस चल रहे हैं। साथियों, हमारे प्रयासों में हमेशा से गंभीरता भी रही है और जापान के लिए स्नेह भी रहा है। आज इसी का नतीजा है कि सुजुकी समेत जापान की 125 से ज्यादा कंपनियां गुजरात में काम कर रही है। ऑटोमोबाइल से लेकर बायोफ्यूल तक के क्षेत्र में यहां जापानी कंपनियां अपना विस्तार कर रही है। जेट्रो द्वारा स्थापित अहमदाबाद बिजनेस सपोर्ट सेंटर, इसमें एक साथ कई कंपनियों को प्लग एंड प्ले वर्क प्लेस फैसिलिटी देने की सुविधा है। आज गुजरात में 2 जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हर साल सैकड़ों युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। कई कंपनियों का गुजरात की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और आईआईटी से भी टाई अप है। अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी की स्थापना में भी जिस तरह ह्यूगो इंटरनेशनल एसोसिएशन का बहुमूल्य योगदान रहा उसे गुजरात कभी नहीं भूल सकता। अब ऐसा ही इको फ्रेंडली गार्डन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। काइजन को लेकर 18-19 साल पहले जो प्रयास गुजरात ने किए थे, जितनी गंभीरता से इसे लागू किया था, उसका गुजरात को बहुत लाभ मिला। गुजरात आज विकास की जिस ऊंचाई पर है उसमें निश्चित तौर पर काइजेन की भी एक बड़ी भूमिका है। मैं जब प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली गया तो काइजेन के अनुभवों को पीएमओ और केंद्र सरकार के अन्य विभागों में भी इसे लागू किया। अब काइजेन का लाभ देश को और ज्यादा मिल रहा है। सरकार में हमने
जापान प्लस की भी एक विशेष व्यवस्था की है। गुजरात और जापान की साझा यात्रा को यादगार बनाने वाले जापान के बहुत सारे मित्र, कई सारे पुराने मेरे साथी आज यहां कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक बार फिर मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। दो पहिया हो या चार पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएलआई स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। 2022 के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश किया गया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई है। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। साथियों, आज जब हम ईवी जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हमें अपने देश के क्लाइमेट कमिटमेंट को और उसके टारगेट्स को भी सामने रखना बहुत आवश्यक है। भारत ने COP26 में ये घोषणा की है कि वो 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की 50% क्षमता नॉन फॉसिल सोर्स से हासिल करेगा। हमने 2070 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हमें बायोगैस, फ्लैक्स फ्यूल जैसे विकल्पों की और भी बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि मारुति सुजुकी इसी दिशा में बायोफ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, हाइब्रिड ईवी जैसे तमाम विकल्पों पर भी काम कर रही है। मेरा सुझाव है कि इसके साथ साथ सुजुकी कंप्रेस्ड बायो मिथेन गैस यानी सीबीजी जैसी संभावनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकती है। भारत की दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में काफी काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां एक
हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ म्यूचुअल लर्निंग का भी और बेहतर माहौल बने, इसका लाभ देश और व्यापार दोनों को होगा। साथियों, अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में हमारा लक्ष्य है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बने। हम जानते हैं कि आज ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है, इसलिए इस दिशा में इनोवेशन और प्रयास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे भरोसा है आपके और ऑटो सेक्टर के सभी साथियों के सहयोग से देश अपना ये लक्ष्य जरूर पूरा करेगा। हम विकास और समृद्धि के लक्ष्य पर उसी गति से पहुंचेंगे जो गति आज हमारे एक्सप्रेस वे पर दिखाई देती है। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुजुकी परिवार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप विस्तार के जो भी सपने लेकर के चलेंगे उसे गति देने में, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देखना, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।